इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फिल्म टॉक टू हर के बारे में, जो कहानी है दो लोगों की जो एक हॉस्पिटल में मिले और दो अलग मरीजों का ध्यान रखते हुए उन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो गई। स्पेन के एक डांस थिएटर में बेनिनियो और मार्को नाम के दो अनजान आदमी परफॉर्मेंस में गुम थे। वो दोनों ही एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर परफॉर्मेंस के दौरान बेनिनियो ने मार्को को रोते हुए देखा और ये बात वो भूल नहीं पाया। बेनिनियो एक मेल नर्स है जो अपनी पेशेंट का ख्याल रखते हुए उसे मार्को के बारे में बताने लगा। जिस पेशेंट को वो संभाल रहा है उसका नाम अलीशिया है, जो एक डांसर बनना चाहती थी, पर एक एक्सीडेंट की वजह से वो अब कोमा में है। मार्को एक जर्नलिस्ट है जिसने एक दिन टीवी पर लिडिया नाम की एक औरत का इंटरव्यू देखा। मार्को को लगा कि लिडिया की जिंदगी पर उसे एक आर्टिकल लिखना चाहिए। लिडिया बुल फाइटिंग का काम करती है और अपने बॉयफ्रेंड नीनो से धोखा खाने पर वो हर किसी से नफरत करने लगी है। एक रात मार्को की लिडिया से मुलाकात हुई और बातें करते हुए वो दोनों लिडिया के घर की ओर बढ़े। गाड़ी में मार्को ने बताया कि वो एक जर्नलिस्ट है और लिडिया और नीनो के रिश्ते के बारे में जानना चाहता है। ये सुनकर लिडिया नाराज हो गई और बिना कुछ कहे गाड़ी से निकलकर अपने घर में चली गई। अचानक मार्को को उसकी चीख सुनाई दी और लिडिया दौड़ते हुए मार्को के पास आई। उसके घर में एक सांप घुस आया था, जिसे निकालने के लिए मार्को उसकी मदद करने लगा, मगर मार्को को उस सांप को मारना पड़ा और ऐसा करके वो रोने लगा। लिडिया वापस अपने घर में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मार्को के साथ होटल में गई। लिडिया अब मार्को पर भरोसा करने लगी थी, इसलिए वो उसे इंटरव्यू देने के लिए मान गई। बेनिनियो 4 सालों से अलीशिया की देखभाल कर रहा है। उसका मानना था कि दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं, इसलिए अलीशिया किसी भी वक्त होश में आ सकती है। मार्को और लिडिया अगले ही दिन फिर से मिले और बातें करते हुए दोनों की दोस्ती हो गई। मार्को ने उस वक्त बताया कि कुछ वक्त पहले उसकी मंगेतर एंजेला ने उनकी शादी तोड़ दी और तब से वो अकेला रहता है। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और लिडिया और मार्को एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन मार्को और लिडिया का परिवार लिडिया के अगले फाइट की तैयारी कर रहे थे। लिडिया उन सबसे कोई जरूरी बात कहना चाहती थी, पर वो बात अपनी फाइट के बाद बताने वाली थी। वो बेखौफ अंदाज में हर फाइट का हिस्सा बनती है, पर उसके परिवार को हमेशा उसकी फिक्र होती है, और उस दिन वही हुआ जिसका हमेशा से उन सबको डर रहता है। लिडिया उस फाइट में इतनी बुरी तरह घायल हुई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और सबको ये खबर मिली कि लिडिया अब कोमा में जा चुकी है। 3 हफ्ते बीत गए और लिडिया की हालत देखकर उसकी बहन टूटने लगी। मार्को हर वक्त लिडिया के साथ था, पर नीनो उसकी जगह लेना चाहता था और हर रोज उससे मिलने आया करता था, इसलिए मार्को उससे नफरत करता रहा। नीनो का कहना था कि लिडिया मार्को को नीनो के बारे में कुछ बताने वाली थी, पर वो बात बताने से पहले ही ये सब कुछ हो गया। मार्को अपने आप को लिडिया की हालत का जिम्मेदार मानता रहा और अचानक उसे वो रात याद आ गई जब वो लिडिया के साथ वक्त बिता रहा था। उस रात लिडिया ने उससे पूछा कि वो सांप को मारकर रोया क्यों था। तब मार्को ने बताया कि एंजेला भी सांप से डरती थी और लिडिया के घर पर सांप देखकर उसे एंजेला की याद आ गई। अपनी कही बात के बारे में सोचकर आज मार्को पछता रहा है और चाहता है कि लिडिया जल्द से जल्द होश में आ जाए। डॉक्टर वेगा से बात करते हुए उसे पता चला कि लोग कोमा से बाहर तो आ जाते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए मार्को को ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसी हॉस्पिटल में मार्को ने बेनिनियो को अलीशिया का ध्यान रखते हुए देखा और तब बेनिनियो ने मार्को को बताया कि उसने मार्को को रोते हुए देखा था, मगर मार्को को ये कुछ भी याद नहीं था। बेनिनियो को अलीशिया से बात करते देख मार्को अजीब सा महसूस करने लगा, इसलिए वहाँ से चला गया। कुछ वक्त बाद वहाँ अलीशिया के पिता आए, जो खुद एक साइकियाट्रिस्ट भी है, और बेनिनियो को उसका काम करते देख उन्हें अजीब लगने लगा। वो उससे पूछने लगे कि बेनिनियो को मर्दों में दिलचस्पी है या औरतों में। बेनिनियो ने कह दिया कि वो गे है, पर रोजा नाम की एक नर्स को उसने बताया कि अलीशिया के पिता को बेनिनियो का उनकी बेटी को छूना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसे यह झूठ कहना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक मार्को देखता रहा किस तरह अलीशिया से लोग बातें कर रहे हैं। अलीशिया को ऐसे रखा जा रहा था जैसे कि वो होश में हो, इसलिए वो बेनिनियो से बात करने उसके पास चला गया। उस दिन बेनिनियो ने मार्को को अलीशिया का अतीत बताया। 4 सालों पहले अलीशिया एक डांसर हुआ करती थी और उसे बेनिनियो हर रोज नाचते हुए देखा करता था। वो अलीशिया से ऑब्सेस्ड था और एक दिन उसे अलीशिया से बात करने का मौका मिला जब उसने अपना वॉलेट गिरा दिया। पहले तो बेनिनियो और उसका बर्ताव उसे अजीब सा लगा, पर फिर अलीशिया के घर की ओर जाते हुए उन दोनों की बातें शुरू हुई। अलीशिया ने बताया कि डांस ही उसकी जिंदगी है और अलीशिया की कहानी सुनने के बाद बेनिनियो ने बताया कि वो अपना ज्यादा वक्त घर में ही बिताता है। वो अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करता था, पर 2 महीनों पहले ही उनकी मौत हो गई। अलीशिया उसका शुक्रिया अदा करके अपने घर चली गई और तब बेनिनियो को पता चला कि अलीशिया के पिता एक साइकियाट्रिस्ट है। अगले कुछ दिनों तक अलीशिया डांस क्लास में नहीं आई, इसलिए उसके बारे में जानने के लिए बेनिनियो ने अलीशिया के पिता डॉक्टर रोनसेरो से मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया।
वो उनके घर पहुंचा और अलीशिया से मिलने के बहाने उसे उसके पिता के साथ एक सेशन में बैठना पड़ा। सेशन के दौरान उसने अलीशिया के पिता को बताया कि वो अपनी माँ का ध्यान रखा करता था और एक नर्स का काम करता था, पर अब वो अकेला है। ये सेशन पूरा होने पर वो अलीशिया के कमरे में चला गया और उसका हेयर क्लिप लेकर वो घर लौटने लगा, पर अलीशिया उसे अपने कमरे से बाहर आते देख डर गई। अगले दिन फिर से अलीशिया डांस क्लास में नजर नहीं आई और उसके घर जाने पर बनीनियों को पता चला कि अलीशिया का एक्सीडेंट हुआ था। बनीनियों ने मार्को को बताया कि अलीशिया के पिता अच्छे नर्सेज ढूंढ रहे थे और तब उन्होंने मटिल्डा और बनीनियों को ये काम दिया। वो ये सोचकर पहले तो हिचकिचा रहे थे कि एक मर्द को अपनी बेटी का काम देकर वो गलती तो नहीं कर रहे, पर फिर उन्हें बनीनियों पर भरोसा होने लगा। 4 सालों से अलीशिया की देखभाल करते हुए बनीनियों हर रोज उससे डांस और फिल्मों की बातें करता है। बनीनियों का कहना था कि मार्को को भी लिडिया से बातें करनी चाहिए, इसी तरह वो ठीक हो पाएगी, क्योंकि वो चाहे कोमा में हो पर उससे बातें करना एक तरह की थेरेपी है। हॉस्पिटल में बनीनियों के गे होने की बात फैल चुकी थी, पर रोजा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि शायद वो उसे पसंद करती थी। अगले दिन बनीनियों लिडिया के पास आया और उससे बातें करने लगा, पर मार्को अब भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। उसी रात बनीनियों अलीशिया की देखभाल करते हुए उसे एक फिल्म के बारे में बताने लगा और उस कहानी के बारे में बताते हुए वो अपने आप को अलीशिया के करीब जाने से रोकने लगा, पर वो ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया। अगली सुबह मार्को बनीनियों के कहने पर लिडिया को कमरे से बाहर लाया और तब उसे वो दिन याद आया जब 2 महीनों पहले वो एंजेला की शादी में गया था। उस शादी में लिडिया भी आ गई थी, जबकि उसने मार्को से कहा था कि वो उसके साथ नहीं आना चाहती। शादी देखते हुए लिडिया रोने लगी और उस दिन वो मार्को से कोई बात करना चाहती थी, पर मार्को उसकी बात सुन नहीं रहा था। वो सिर्फ अपनी और एंजेला की बातें कर रहा था और इसलिए आज लिडिया की बात अधूरी रह गई। आज जब मार्को हॉस्पिटल आया तो उसने नीनो को लिडिया के पास देखा। नीनो ने मार्को को बताया कि लिडिया उसे बताना चाहती थी कि वो नीनो के पास लौट आई है, पर वो ये बात बता नहीं पाई। मार्को ये जानकर हैरान हो गया कि लिडिया सिर्फ नीनो से प्यार करती थी। वो अपने दिल की बातें बताने के लिए अलीशिया के पास गया। उस वक्त बनीनियों ने बताया कि वो हमेशा से जानता था लिडिया और वो अलग होने वाले हैं। कुछ देर बाद मार्को को वहाँ से जाना पड़ा और तब रोजा ने बनीनियों से कहा कि अलीशिया का पेट फूला हुआ दिख रहा है। अगले दिन बनीनियों ने मार्को को बताया कि अलीशिया का चेकअप चल रहा है, इसलिए किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, पर उसे क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। वहाँ से निकलने से पहले बनीनियों ने कहा कि वो अलीशिया से शादी करना चाहता है, पर मार्को को ये बात अजीब लगी क्योंकि अलीशिया कोमा में है और अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। मार्को ने उसे समझाया कि अलीशिया के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो कुछ महसूस नहीं कर सकती, इसलिए उसे अलीशिया के बारे में भूल जाना चाहिए। अगले दिन हॉस्पिटल में बताया गया कि अलीशिया के साथ जबरदस्ती हुई है और अब वो प्रेग्नेंट है। इन्वेस्टिगेशन करने पर ये पता चला कि बनीनियों ने ये बात रिपोर्ट में छुपाई थी और क्योंकि दिन रात अलीशिया की देखभाल बनीनियों करता है तो शक उसी पर था। इन सारी बातों से अनजान मार्को उस वक्त दूसरे देश चला गया था और 8 महीनों बाद उसे पता चला कि लिडिया कोमा से बाहर ही नहीं आ पाई और उसकी मौत हो गई। जब बनीनियों से इस बारे में बात करने के लिए उसने हॉस्पिटल में कॉल किया तो रोजा ने उसे बताया कि बनीनियों 8 महीनों से जेल में सजा काट रहा है। रोजा चाहती थी कि मार्को उसकी मदद करे क्योंकि उसका कोई और दोस्त नहीं। बिना वक्त गवाए मार्को वापस अपने देश लौट आया और बनीनियों से मिलने जेल पहुंचा। 8 महीनों से बनीनियों को अलीशिया की कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए वो चाहता था कि मार्को उसे अलीशिया के बारे में बताए। वो कहने लगा कि वो एक साइकोपैथ है, इसलिए अगर उसे अलीशिया की खबर नहीं मिली तो वो कुछ गलत कर देगा। अपने दोस्त के खातिर मार्को ने अलीशिया का पता लगाना शुरू किया। वो बनीनियों की बिल्डिंग में गया और उसी के घर में किराए पर रहने लगा। मार्को को भरोसा था कि बनीनियों बेगुनाह है और यही बात वो दूसरों से भी कहने लगा, जबकि ये सच नहीं था। वो बनीनियों की तरह अलीशिया के क्लासेस में देखने लगा और उसे पता चला कि अलीशिया अब होश में आ चुकी है। उसने देखा कि अलीशिया की टीचर कैटरीना उसके शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रही है और बनीनियों के वकील से मिलने पर उसे पता चला कि अलीशिया के बच्चे की पैदा होने से पहले ही मौत हो गई। वो वकील चाहता था कि अलीशिया और उसके बच्चे का सच बनीनियों से छुपाया जाए और ना चाहते हुए भी मार्को ऐसा करने के लिए मान गया। बनीनियों को अब भी अलीशिया के बारे में कुछ पता नहीं चला, पर वो ज्यादा निराश इस बात से था कि वो मार्को को गले नहीं लगा पाया। अगले दिन मार्को को एक वॉइस मेल मिला जो बनीनियों ने उसे भेजा था और उस वॉइस मेल में बनीनियों ने कहा कि वो अलीशिया के बिना जी नहीं सकता, इसलिए वो अब जिंदगी से आजाद हो रहा है। मार्को जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए उसके पास गया, पर जेल पहुंचते ही उसे एक ऑफिस में ले जाया गया जहां उसे बनीनियों की आखिरी चिट्ठी मिली। बनीनियों ने चिट्ठी में लिखा था
कि वो खुद भी कोमा में जाना चाहता है ताकि वो अलीशिया के करीब रह सके, और अगर वो नहीं बचा तो वो चाहता है मार्को उससे मिलने आए और उससे बातें करे। कुछ दिनों बाद मार्को बनीनियों की कब्र पर उससे बात करने गया और उसने बताया कि बनीनियों ने जो किया उसकी वजह से अलीशिया कोमा से बाहर तो आ गई पर उसका बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। अंत में अलीशिया उसी थिएटर में गई जहां मार्को जाया करता है और परफॉर्मेंस के दौरान उसे रोते देख उसने मार्को से बात करने का फैसला किया। मार्को और अलीशिया उस वक्त एक दूसरे से बातें करने लगे पर अलीशिया की टीचर कैटरीना उसे मार्को से दूर ले आई क्योंकि वो चाहती थी कि मार्को अलीशिया को बनीनियों के बारे में कुछ नहीं कहे। उस रात मार्को और अलीशिया के रिश्ते ने जन्म लिया और इसी तरह उन दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।